मुझे सुनने और देखने वालों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, फिर मेरे चैनल के होम गार्डनिंग में आप सबको खुश आमदीद। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज मैं आप लोगों के साथ अपना क्रोटन का प्लांट शेयर कर रहा हूँ। और आज मैं ये बताने वाला हूँ कि मैं अपने इस क्रोटन प्लांट की विंटर में केयर कैसे कर रहा हूँ कि विंटर में भी इसके जो पत्ते हैं वो झरे नहीं हैं, सूखे नहीं हैं, और बल्कि विंटर में भी ये हरा भरा है और अच्छे से शाइनिंग वगैरह भी कर रहा है और साथ ही साथ इसकी ग्रोथ भी होती चली जा रही है। तो बिल्कुल इजी टू ग्रो प्लांट है ये। इसको मैंने जो पॉट साइज़ दिया हुआ है आप देख सकते हैं, 14 इंच पॉट साइज मैंने अपने इस क्रोटन प्लांट को दिया हुआ है और इसे मैंने फुल धूप में प्लेस किया हुआ है। क्रोटन प्लांट ऐसा प्लांट है कि ये इंडोर भी चल जाता है और साथ ही साथ आउटडोर भी चल जाता है। तो मैंने अपने इस क्रोटन प्लांट को फुल आउटडोर रखा हुआ है, पूरे दिन की धूप में ये क्रोटन का प्लांट मेरा जो है रहता है और इसे सुबह से लेकर दोपहर तक की जो है धूप मिलती रहती है। आप देख सकते हैं अभी भी ये धूप में ही है। तो जब तक सर्दियाँ शुरू नहीं हुई थी मैं इसमें डेली वाटरिंग कर रहा था, लेकिन अब सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है तो अब मैं इसमें एक दिन छोड़कर एक दिन वाटरिंग कर रहा हूँ, वो भी इस वजह से कि पूरा दिन धूप में होने की वजह से इसकी मिट्टी जो है तकरीबन 48 घंटे में जो है वो जो है इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और मिट्टी सूखने लग जाती है। तो फिर मॉइस्चर बरकरार रखने के लिए, कंटिन्यू मॉइस्चर रखने के लिए मैं इसमें एक दिन छोड़कर एक दिन वाटरिंग कर देता हूँ। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि मेरा ये क्रोटन का प्लांट कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। सर्दियों में अपने प्लांट्स को जो है झरने से बचाने के लिए आप इसे कम से कम पानी दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे धूप में रखें। जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी और जितना ही कम इसको पानी मिलेगा उतनी ही ज़्यादा इस क्रोटन प्लांट की जो है ग्रोथ होने वाली है। और सर्दियों के सीज़न में तो खाद जो है बिल्कुल भी नहीं देनी है क्योंकि ये इनका डोरमेंसी पीरियड होता है, रेस्ट करने का टाइम होता है और खाद जो होती है वो बूस्टर होता है। किसी भी प्लांट को अच्छी ग्रोथ करने के लिए खाद दी जाती है ताकि उसकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से हो, लेकिन ये विंटर सीज़न है, ये रेस्टिंग टाइम है, तो इसी वजह से रेस्टिंग टाइम में अगर हम खाद देंगे तो फिर इसके पत्ते फिर से झड़ जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता सारे लीव्स गिरना शुरू हो जाएंगे। तो हमें वेट करना है बाहर का मौसम आने का। जैसे ही बाहर का मौसम स्टार्ट होगा तो मैं इसमें खाद ऐड कर दूंगा, फिर इसको अगला जो सीज़न पूरा ग्रोइंग पीरियड मिलेगा उसमें ये मज़ीद ग्रोथ होगा, इसकी ग्रोथ डबल होगी और साथ ही इसकी न्यू शाखें निकलेगी और साथ ही साथ ये बड़ा भी होता चला जाएगा। तो बिल्कुल इजी टू ग्रो प्लांट है ये और बहुत ही हार्डी प्लांट है, एक बार आ जाए तो आसानी से मरता नहीं है। बस आपको वाटरिंग का ख्याल रखना है और इसे अच्छे से धूप में रखना है। तो कैसा लगा मेरा ये क्रोटन का प्लांट मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरी ये शेयरिंग आप लोगों को पसंद आई है तो इसके लिए मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। चले, अल्लाह हाफिज़।